तो गाइज मेरे दोस्त ने ली थी बहुत ही महंगी बाइक, जो देखने में बाइक नहीं पूरी हाथी लग रही, और उस हाथी पे सवार होकर मैंने बोल दिया कि आज की पार्टी तेरी तरफ। और लखनऊ के इस ठुठरती ठंड में हम निकल गए डिनर के तलाश में। अचानक हमारी नजर पड़ी पेट्रोल पंप के तरफ। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था पेट्रोल को लेकर। ऐसा लग रहा था पूरे पृथ्वी से आज ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा। राइड का मजा लेते हुए हम पहुंचे पत्रकारपुर। यहाँ पे हमको एक बहुत ही तगड़ा रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था आर्ट ऑफ चाप रेस्टोरेंट। हमारी नजर पड़ी बोर्ड पे, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा था अनलिमिटेड फूड ओनली 99 रुपीज में। फिर हम लोगों ने एंट्री मारी रेस्टोरेंट के अंदर। एंट्री करते ही देखा भैया एम्बियंस तो एकदम तगड़ा था और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। फिर मेरे को मिले अंकल जी जो बोल रहे थे, अरे बेटे खाना बहुत बढ़िया है, हम तो डेली यहीं से ले जाते, और ये बोल के अपना पेमेंटवा दिखाने। फिर हमका एक सज्जन पुरुष पूछा, भैया खाना कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। लोग कहीं बाहर नहीं खाते हैं लेकिन यहाँ की शुद्धता और सफाई देख देखिए आपके सामने। काउंटर पे पहुँचते ही हमने ऑर्डर किया 2 वेज थाल। फिर हमें भी खाना सर्व किया गया और खाना इतना लजीज कि भाई एक बार नहीं दो दो बार मंगा के। भैया ने बताया हमारे यहाँ स्विगी एंड जोमेटो भी अवेलेबल है, यहाँ 150 से ज्यादा चाप की वैरायटी है। मैंने कहा भैया ट्राई कराओ, भैया चाप लेके आए बहुत सारे, और ये चाप बहुत ही फेमस चाप था, इसका नाम आप बताना। यहाँ के स्टाफ बहुत ही हम्बल एंड फ्रेंडली नेचर के थे, मिलकर मजा आ गया। खाना इतना तगड़ा कि खाया भी और पैक भी कराया, और फिर भैया को बाय बोल के निकल गया। जितने सस्ते रेट में इतना स्वादिष्ट खाना वो भी अनलिमिटेड मिलना मुश्किल है, तो मेरे रिकमेंडेशन से एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करना।